कि मैंने आपको भी बताया। अब स्टार्ट अपील पर क्लिक करते टाइम मैं यहां पर आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, कॉपी यहां पर कर देना है। ये चैनल अपील से एक्सेप्ट कराया है, कोई सबटाइटल नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट ये चैनल मोनेटाइज हो गया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आपने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए तो आपके चैनल पर लिखकर आ गया रीयूज्ड कंटेंट, और रीयूज्ड आने के बाद एक ऑप्शन और आया अपील करने का ऑप्शन। अब अपील करने के लिए जो आपको वीडियो बनानी है, अपील करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, अपील करते टाइम क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि YouTube के करियर में, YouTube के जर्नी में अभी तक मैंने 200 से ज्यादा अपील से YouTube चैनल मोनेटाइज कराए हैं, वो भी रीयूज कंटेंट वाले। अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट भी है और आपने गलती भी कर रखी है, तब भी अगर आप अपील करेंगे, मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करके करेंगे, तो डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और चांस 100% है कि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। तो क्या करना होगा आपको अपील करने के पहले और अपील करते टाइम क्या ध्यान में रखना होगा, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको प्रैक्टिकल है, वो हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा जब भी अपील की वीडियो आप बनाएंगे। सबसे पहले अपील की वीडियो एकदम साफ सुथरी क्लियर होनी चाहिए, आप जो समझा रहे हैं, जो YouTube को बता रहे हैं, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे मोबाइल उठाया और ऐसे बोल रहे हैं, हेलो डियर टीम YouTube, मेरे चैनल का नाम ये है और मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो कर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे आपका चैनल YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे आप कोई काम करते हैं ना, तो आप जब सामने वाले को सब काम क्लियर करके एकदम बढ़िया से करके देते हैं तो सामने वाले को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और अगर सामने वाले को दिक्कत हुई तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कहेगा यार छोड़ो, बेकार में ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बोलता है ना ऐसे, आपने देखा होगा। तो वही सेम प्रोसेस है YouTube के पास, YouTube के पास जब आप अपनी वीडियो को भेजेंगे अपील की वीडियो को, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसलिए YouTube एक बार में आपके चैनल को देखेगा, और आपने अगर अच्छे से समझा रखा है तो अपील की वीडियो आपकी मोनेटाइज हो जाएगी। ये बात हो गई क्लियर, पहली वीडियो जो आपको अपील की बनानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बनानी है। दूसरा, आपकी वीडियो तीन लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या बंगाली, इन तीन लैंग्वेज में बनानी है, और तीनों लैंग्वेज में बनाने के बाद आपको कोई सबटाइटल की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, सबटाइटल की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक अपील की वीडियो रिसेंट में बनाई थी और जो सामने आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये चैनल अपील से एक्सेप्ट कराया है, कोई सबटाइटल नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट ये चैनल मोनेटाइज हो गया। इसकी ज्यादा बड़ी वीडियो देखनी है, प्रॉपर जानकारी जानना है, तो आप जाकर मेरे सेकंड चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, ऊपर लिंक दे दिया है चैनल का, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वीडियो की लेंथ आपके 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए, वीडियो का जो साइज है वो 5 मिनट से छोटा होना चाहिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जो भी करना है कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्ट कोई टेंशन नहीं है जो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आपको करना है, 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए। तीसरा काम आपको करना है कि आपको अपने वीडियो को एडिटिंग करते हुए यूट्यूब को दिखाना है। अब जब आप वीडियो बना रहे हो तो स्टार्टिंग में सबसे पहला वर्ड जो आपका निकले आपके मुंह से, जो अपील के लिए, वो ये निकले, हेलो डियर टीम यूट्यूब, मेरे चैनल का नाम 5M फिल्मी है और मेरे चैनल का URL आपको सामने दिख रहा है। 5M फिल्मी जो मैंने नाम लिया, ये मेरे चैनल का है, तो आप अपने चैनल का नाम वहां पर डाल सकते हैं। ये बात हो गई आपके चैनल पर अपील की वीडियो बनाने का स्टार्टिंग का फेस, और बढ़िया से आवाज आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपकी वीडियो क्लियर आवाज में होनी चाहिए, प्लस आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बाद जब एडिटिंग करें अपने अपील की वीडियो की, तो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जब आप अपील की वीडियो की एडिटिंग अच्छे से करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अर्न वाले फीचर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अपील का एक ऑप्शन आया है, यहाँ पर एक अपील का ऑप्शन आया है, और यहाँ पर इस पर मैं लर्न मोर पर क्लिक करता हूँ, आपको इसकी कुछ पॉलिसी दिखाता हूँ और उस पॉलिसी में आप क्या कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 दिन तक आप अपील कर सकते हैं, यू मस्ट सबमिट योर अपील विद इन 21 डेज, 21 डेज ऑफ सबमिशन, दिस डेट इज ऑल्सो नॉन यूट्यूब ऑल्सो शोन इन यूट्यूब स्टूडियो इन योर चैनल मोनेटाइजेशन। आप 21, जब आपका अपील करने का ऑप्शन आ जाए तो 21 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वीडियो ओनली, यू शुड नॉट पुट एनी अपील इन्फो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर प्रॉपर लिखा गया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई एक लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। दूसरा, आपकी वीडियो 5 मिनट से कम होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, जब आप ये वीडियो अपलोड करेंगे तो अनलिस्टेड करके अपलोड करेंगे। यहां पर लिखा है, एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर लिखा है अपलोडेड टू द चैनल यू आर अपीलिंग सबमिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब
अगर आप अपील की वीडियो कर रहे हैं तो अपने ही चैनल पर आप पहले अपील की वीडियो अपलोड करेंगे, फिर उसी का लिंक पेस्ट करेंगे अपील वाले वीडियो में सेगमेंट पे। मैं आपको ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बात और बता दूं, नरेटेड इन सपोर्टेड लैंग्वेज और फीचर इंग्लिश सबटाइटल नॉट ऑटो जनरेटेड। ये कह रहा है कि इंग्लिश सबटाइटल की जरूरत नहीं है अगर आप ये लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो। यहां पर बहुत सारी लैंग्वेज और आ गई हैं जिनमें हमें तो कोई जरूरत है नहीं, हमें कुछ ही लैंग्वेज की जरूरत है। अब यहां पर स्टेटस मस्ट बी अनलिस्टेड न्यू अपलोडेड, ठीक है, अनलिस्टेड वीडियो आपकी होनी चाहिए प्लस वो वीडियो न्यू अपलोडेड होनी चाहिए। जब अपील की वीडियो आप अपलोड करें उसके बाद आपकी कोई भी वीडियो ना अपलोड करें जब तक कि आपकी अपील की वीडियो एक्सेप्ट ना हो जाए, ये ध्यान रखना। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि वीडियो कोई अपील करते टाइम उसके पहले जब आपके पास अपील का ऑप्शन आ जाए तब आपको कोई डिलीट नहीं करनी है, डिलीट नहीं करनी। अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपील जरूर करना। डिलीट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपील जरूर करना। और अगर डिलीट नहीं किया है और आपको लगता है कि कोई वीडियो आपके चैनल पर रीयूज्ड वाली है तो आप उस वीडियो को प्राइवेट कर देना। मैंने डिलीट करने के बाद भी चैनल मोनेटाइज कराए हैं, उसका भी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, देख लेना जाकर। या फिर आपको बताऊं मेरे चैनल यानी कि टेक्निकल प्रभाकर पर आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल मोनेटाइज वहां पर मैं करवाता रहता हूं। तो अभी आपको यहां पर पता चला कि अपील की वीडियो किस तरीके से क्या क्या ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अब अपील करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले आपको ये भी बताऊं कि अपील में क्या क्या बोलना है। आपको अपने चैनल पर प्रॉपर वीडियो दिखाना है, सब कुछ बताना है, एक एक एडिटिंग कैसे करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर एडिटिंग कैसे कर रखा है, वो सारी चीज़ें दिखानी है। उसके बाद फिर अपील वीडियो करना है। अपील में मेन फोकस ये होना चाहिए आपकी वीडियो किस पर्पज के लिए है, आप वीडियो जो बनाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, और आपकी डिटेल में जानकारी क्या क्या होती है अपने चैनल के बारे में, प्लस आपके चैनल का URL सामने दिख रहा हो, ये करके अपील आप कर सकते हैं। 183 वीडियो इन्होंने अपलोड की, 33,000 सब्सक्राइबर हैं, मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर रहे थे, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तभी मैंने कहा मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पर माई डियर फ्रेंड, अब मैं पहले इनके चैनल पर अपील की वीडियो अपलोड करूंगा। तो अपील की वीडियो अपलोड कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कंटेंट वाले फीचर पर मैंने क्लिक किया है, आपको जो चीज़ें मैंने बताई है माई डियर फ्रेंड, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से वीडियो को अपने आप काम करते रहना, बहुत ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे, अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं जून वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा और आज है 18 यानी कि आज, और अपील फॉर मोनेटाइजेशन डियर टीम यूट्यूब। जब आप अपील का जो टाइटल लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े। तो अब यहाँ पर लिखना क्या है, अपील फॉर मोनेटाइजेशन डियर टीम यूट्यूब, यही लिखना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं लिखनी है, ना ही थंबनेल लगाना है, ना ही कुछ करना है। इस पर आप नो कर देना, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर नो कर देना, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, और बस और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी 2 मिनट में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, अब नेक्स्ट पर और क्लिक करना, कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो मिलेगी, जितनी भी वीडियो मिलेगी, बहुत ऑथेंटिक, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंफॉर्मेटिव, प्रॉपर तरीके से जानकारी के साथ मिलेगी। और ये वीडियो जो अपील की वीडियो है, इस वीडियो को मैं आपको बताऊं कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी अपील की वीडियो में मैंने प्रॉपर आपको बताया है कि अपने चैनल के बारे में दिखाना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें बताई है, और उसके बाद आपको अपील की वीडियो बनानी है, राइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलिस्टेड करके मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, लिख दिया अपील फॉर मोनेटाइजेशन, और यहाँ पर आ गया नन का ऑप्शन। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ जो ऑप्शन वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर गेट शेयरेबल लिंक पर क्लिक करेंगे, और लिंक हमारी हो गई है कॉपी, लिख कर आ गया है लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब हम अर्न वाले फीचर पर क्लिक कर देंगे, अर्न वाले फीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मैं स्टार्ट अपील पर क्लिक करूंगा। 3 जुलाई के पहले पहले मुझे अपील करना था जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब स्टार्ट अपील पर क्लिक करते टाइम मैं यहां पर आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, कॉपी यहां पर कर देना है उस URL को, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर सबमिट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो हमने यहां पर अभी सबमिट पर क्लिक कर दिया है, आपके सामने यहां पर सबमिट हो चुका है और अपील हमने कर दिया है, और यहां पर लिखा है देखिए, इफ़ यू डिलीट एनी वीडियोज आफ्टर यू रिसीव्ड योर चैनल रिव्यू डिसीजन वी वॉन्ट टू अवेल रिव्यू योर अपील। तो कह रहा है अगर आपने कोई वीडियो डिलीट की तो हम अपील नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपकी, बट ऐसा नहीं है,
आपको सिर्फ अपने वीडियो में कभी भी ये नहीं बताना है, कभी भी ये मत बोलना कि मैंने ये गलती की थी, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, ऐसा नहीं बोलना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।